रोटी पराठा चावल पूरी कचौड़ी जलेबी सिंगाड़ा समोसा चाट छोला मसाला डोसा चाउमीन पाव भाजी बर्गर तो अभी मैं आया हूँ गुड्डा का मेला जो कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर लगता है और यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस काफी ज्यादा आ रहा है आप लोग देख सकते हो। एंड अभी मैं हूँ मेला के बाहर ही और लोग हमें काफी देख रहे हैं बट कोई बात नहीं। और अभी मैं देने वाला हूँ इस मेले का टूर कैसे क्या नहीं सब कुछ क्या आया है नहीं आया इस बार कैसा लगा हुआ है पिछले बार के मुकाबले कैसा लगा है नहीं लगा है सब चीज। ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं दिखाता हूँ अभी मेला। तो इधर आप लोग अपना बाइक को पार्क कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो इधर काफी सारे बाइक पार्किंग में लगे हैं एंड मतलब यहाँ 3-4 पार्किंग लगा हुआ है। तो 25 रुपीस चार्जेस लगा हुआ है यहाँ पे फुल डे का, आप लोग आओ और सेफली रहता है सेफ रहता है पूरा, तो इसलिए आप लोग आओ और यहाँ पे ही पार्क में लगा देना। बाकी चलिए अब मेला दिखाते हैं आप लोगों को। तो गोड्डा मेला ये रहा हमारे पीछे एंड मैं दिखाने वाला हूँ, आप सामने आ सकते हैं थोड़ा उसके बाद। पब्लिक में फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग है तो थोड़ा सा कैमरा सा हो रहा है ठीक है बट कोई बात नहीं। एंड आप लोग देख सकते हो मेला का रुख जो है स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा देखने को लगा है। बाकी अभी हम लोग अंदर जाते हैं एंड सारा व्यू आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं ठीक है। तो ये हम मेला में एंट्री ले चुके हैं और ये अचार और इधर ऑल इंडिया दालमोट वगैरह जो भी है बादाम वगैरह जो है आप लोगों को पता ही है गोड्डा मेला का। और इधर हम कश्मीरी चाट वगैरह मिलता है अंकल बेच रहे हैं इधर देख भी रहे हैं वो अंकल क्या बोल रहे हैं ना वो मैं अभी आप लोगों को आगे क्लिप में दिखाता हूँ। रोटी पराठा चावल पूरी कचौड़ी जलेबी सिंगाड़ा समोसा चाट छोला मसाला डोसा चाउमीन पाव भाजी बर्गर लेट्स। तो अभी हम लोग मेला में आ चुके हैं एंड अभी स्टार्ट ही किए हुए हैं और मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्यों गाइस बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है इसके कारण से। बाकी अभी आज का डेट क्या है 27 जनवरी है। अभी मेला उतना ज़्यादा खास भीड़ हुआ नहीं है क्योंकि अभी एक दो दिन टाइम लगेगा। चहेते मिल चुके हैं आइसक्रीम के साथ अभी तुरंत आए हुए बना रहा है अब डल गया तो अभी हम लोग आ गए हैं मेला का सबसे खूबसूरत पॉइंट पे। वो खूबसूरत पॉइंट क्या है मीना बाजार जो कि गोड्डा मेला का मतलब सुंदरता को बढ़ा देता है एंड यहाँ से वो शुरू होता है। अभी हम एक एक करके सारी चीज को दिखाने वाले हैं आप लोग देखो। एंड ये वो एंट्री गेट है एंड इसके अंदर में ही वो सारी चीजें रहती है ना रे क्या रहता है बड़का बड़का कद्दू तो ये है मीना बाजार का दृश्य देखो आप लोग। एंड आप लोग अभी अगर आओगे गोड्डा मेला तो इस चीज को देखना मत भूलना। और ये यहाँ पर जो आप लोग फूल देख रहे हैं ना यहाँ ये आप लोग खरीद भी सकते हैं। ये नर्सरी भी रहता है यहाँ पे, ये एक बेचने का मतलब तरीका भी है। और इधर तारामाची दिख रहा है अभी उधर भी जाएंगे हम लोग। तो ऐसा कुछ है यहाँ का मीना बाजार। मेरा आवाज़ आप लोगों तक बहुत कम पहुँच रहा होगा नॉइस के कारण, बाकी मैं वॉइस ओवर कर डालूंगा आप लोग देख सकते हो जो कि दिखा रहे हैं। एंड भीड़ का भी मैं बात कर रहा था बट भीड़ मिल गया हम लोगों को। तो ये जो है ये थिएटर है और आप लोग जो ये भीड़ देख रहे हो ना ये भीड़ पर्दा हटने के बाद जो थोड़ा सा शो दिखाया जाता है ना उस चीज के लिए देख रहे हो कैसे लोग मतलब बौखला रहे हैं देखने के लिए। एंड आप लोग लड़कियां तक मतलब लेडीज लोग भी देख रहे हो ये भैया देखो दौड़ते हुए जा रहे हैं कि भाई छूट ना जाए ये शो भाई चचा हंसी इतना ज्यादा आ रहा है ना आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। बाकी उधर मेरा दोस्त दोनों है देख सकते हैं और अभी देखता दिखाते हैं आप लोगों को भी कि पर्दा के पीछे क्या हो रहा है। ओ बंद कर दिया कैसे दिखाएं। और ये है 360 स्टैंड जो आप लोग रील्स में देखते हो काफी ज्यादा छपरी लोग इस पे चढ़ के घूमते रहता है वो गोड्डा मेला में भी आ गया है। और यहाँ स्मोकर पान भी है जो आप लोग खा सकते हो। तो चलिए अब आपको गोड्डा मेला का ड्रोन व्यू दिखाते हैं।
तो कैसा लगा आप लोगों को ड्रोन शॉट, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और ये तारावाच आप लोग देख सकते हो, एंड ये नौ वाला झूला भी है यहाँ पर, और ये रेलगाड़ी वाला झूला, बाकी बहुत सारे झूले आए हुए हैं आप लोगों को आगे। तो ये झूला जो आप लोग देख रहे हो ये गोड्डा में नया आया हुआ है, एंड मैंने भी इससे पहले बार ही देखा, नाम तो मुझे नहीं पता है, बट ये देखो काफी यूनिक लग रहा है। तो अगर आप लोग गोड्डा मेला हो तो इस पर जरूर बैठना, मैं तो नहीं बैठूंगा बट आप लोग बैठना जरूर। बाकी गाइस मुझे ये चीज सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तुर्की आइसक्रीम जो कि आप लोग रील्स में देखते हुए वो आइसक्रीम देता है जो, और मतलब बहुत सारा ड्रामा करके देता है, तो ये गोड्डा में भी आया हुआ है। तो अगर आप लोग गोड्डा हो तो जरूर इसे ट्राई करना, एंड मैं भी करूंगा सेकंड टाइम में बट अभी नहीं। तो अभी गोड्डा के इस मेले में सबसे मेन दृश्य जो बना हुआ है इस थिएटर का बना हुआ है। जी हाँ, ये थिएटर शोभा सम्राट थिएटर जो देख रहे हैं इसके बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित है, अभी बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में हुआ है, क्योंकि इसमें जो डांस वगैरह होता है वो लड़की लोग रील्स में काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो ये अभी गोड्डा में आई हुई है, एंड यहाँ का टिकट का बात करूँ तो ये रात में चलता है 7 से 10:30 में, और 11 से 2 बजे रात में। और टिकट की मैं बात करूँ तो VIP 500, उसके पीछे मतलब बीच का जो सीट होता है वो 300, एंड सबसे पीछे में जो है वो 100 का बिकता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस बना हुआ है वो इस थिएटर पर बना हुआ है अभी, एंड अभी काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इंक्वायरी लेकर जा रहे हैं। तो ये जो थिएटर देखने वालों के लिए है ना, ये सबसे सुनहरा मौका है, आप लोग आओ और देखना है यहाँ पे।